नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं आपके साथ वंदना। देश में सरकार बनाने के लिए अब एन फैक्टर बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। वो एन फैक्टर एन से नीतीश और एन से चंद्रबाबू नायडू। ऐसे में नीतीश कुमार अगर अपना समर्थन देते हैं तो इससे बिहार को क्या फायदा होगा, इस पर सवाल उठ रहे हैं। अचानक से बिहार और बिहार के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश भर में छा गए हैं। ऐसे में इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट राजीव रंजन जी और उनसे जानेंगे कि अगर नीतीश कुमार समर्थन देते भी हैं तो इससे बिहार को क्या फायदा होगा, क्योंकि लगातार जदयू के द्वारा समर्थन देने के साथ साथ कई बड़ी मांग भी की गई है। इससे बिहार में अब क्या कुछ बदलाव होगा, क्योंकि बिहार किंग मेकर बनकर उभरने लगा है। राजीव जी, नीतीश कुमार का समर्थन बेहद ही ज्यादा जरूरी हो गया है अगर प्रधानमंत्री बनना है नरेंद्र मोदी को। तो अब नरेंद्र मोदी अकेले कुछ नहीं कर सकते और इससे बिहार को फायदा हो सकता है। बिल्कुल वंदना, और जिस तरह का जनादेश है जी, वो उस जनादेश से एक बात तो स्पष्ट है कि जो जिस तरह का खंडित जनादेश मिला है उस जनादेश से, बाकी ठीक है कि एनडीए को वो मैजिक आंकड़े जो है 272 के, उससे वो करीब 20-21 सीट अधिक है जी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस जनादेश की उम्मीद थी जी, वो उनको वो जनादेश नहीं मिला। वो जनादेश क्या था? वो जनादेश था कि भाजपा को कम से कम 272 सीटों का आंकड़ा पार करना जी, जो इस बार मिला नहीं। और अगर आप जिस तरह की बात कर रही हैं, तो इसमें अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज का तरीका, उनका जो स्टाइल है, अगर वो आप देखिएगा तो उन वो एक ऐसे राजनेता हैं जो कभी भी गठबंधन की सरकार को लेकर चलने की बाध्यता उनके साथ नहीं रही है। चाहे वो जब गुजरात के मुख्यमंत्री बनकर वहां शपथ लिए थे तब की बात हो, या फिर 2014 के बाद से लेकर अब तक जिस तरह से वो प्रधानमंत्री के पद पर काबिज हैं और जिस तरह के वो फैसले लेते रहे हैं, तो उनको कभी अपने गठबंधन के घटक दलों की ओर देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी। हम उदाहरण के लिए आपको समझाते हैं कि जैसे गठबंधन के घटक दलों को थोड़ा भी इल्म नहीं होगा कि आज शाम 2016 में कि वो शाम 8 बजे से 500 और 1000 के नोट रद्द समझे जाएंगे, तो इस तरह के वो फैसले लिए अग्निवीर के जैसे फैसले, जिसका देश के कोने कोने से विरोध हो रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री ने कभी इस पर कोई भी इसकी समीक्षा करने की या इस योजना को लेकर, अग्निवीर योजना को लेकर प्रधानमंत्री ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो इस तरह के जो उनके फैसले होते रहे हैं और जो वो निर्णय लेते रहे हैं, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहली बार एक गठबंधन की सरकार चलाने का मौका मिला है, और वो वैसी गठबंधन कि वो जानते हैं कि जब गठबंधन के साथियों को अपने साथ लेकर चलने में सरकार को सामूहिक फैसले लेने पड़ते हैं, तो नरेंद्र मोदी इस मामले में नरेंद्र मोदी की पहली बार ये परीक्षा होगी जी। बेहद ही चुनौतीपूर्ण होने वाला है इस बार का सरकार बनाना और सरकार चलाना नरेंद्र मोदी के लिए। बिल्कुल, क्योंकि गुजरात में भी सीएम थे तो वो अपने मन से फैसला लेते थे, दो बार से देश चला रहे हैं, पीएम बन रहे हैं तो अपने मन से फैसला। ऐसे में नीतीश कुमार से या फिर चंद्रबाबू नायडू का जो फैक्टर अभी समझ में आ रहा है, सरकार बन जाती है, शपथ पीएम नरेंद्र मोदी ले भी लेते हैं, उसके बाद भी बेहद मुश्किल होने वाला है आने वाला 5 साल। बिल्कुल, आप जिस तरह का जनादेश है उसमें 293 सीटें जो हैं वो एनडीए के पास है और चंद्रबाबू नायडू के पास 16 सीटें हैं और नीतीश कुमार के पास 12 सीटें हैं। अगर ये 28 सीट 293 में से अगर आप माइनस कर देते हैं, उनको आप घटा देते हैं, तो फिर भाजपा या एनडीए की सरकार जो है वो बहुमत के आंकड़े भी नहीं छुपा रही है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के हाथों में अभी दोनों हाथों में लड्डू है जी। और वो चाहें तो अभी बिहार के विकास के लिए, बिहार के लिए जो वो विशेष राज्य का के दर्जा की मांग कर रहे हैं, अपने दर्शकों को ये पहले बता दें कि बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जा की मांग किसी और की नहीं थी, यह नीतीश कुमार की थी और नीतीश कुमार ने अभियान चलाकर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की थी। तो ऐसे में नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग, या फिर वो जिस तरह से बिहार में जातीय सर्वेक्षण करवा कर उन्होंने आरक्षण की सीमा को 75% तक बढ़ा दिया है, वो नीतीश कुमार अब
केंद्र सरकार पर दबाव डालने की स्थिति में है कि वो देश भर में जाती है गणना करवाए। जी अभी सेंसस बाकी है, 2021 का सेंसस जनगणना नहीं हुआ है, तो उस जनगणना के साथ पूरे देश में जातीय जनगणना हो, जो नीतीश कुमार हमेशा मांग करते रहे हैं। और उन्होंने देश के समय के सामने एक उदाहरण पेश किया है कि बिहार में किस तरह से उन्होंने जातीय सर्वेक्षण करवाया, जातीय सर्वे करवाया, और जो सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर यहाँ पर उन्होंने आरक्षण की सीमा को बढ़ा करके 75% कर दिया। तो अब नीतीश कुमार के साथ है, और अभी तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार को वो पुरानी उनके कमिटमेंट के उनके पुराने याद भी दिला रहे हैं कि नीतीश कुमार महागठबंधन सरकार द्वारा जिस तरह से बिहार में 75% आरक्षण दिया गया है, उस आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराने का दबाव बनाए। तो कुल मिलाकर नीतीश कुमार के दोनों हाथों में लड्डू है। और हम एक बात और कहें कि नीतीश कुमार के सामने अभी दोनों एनडीए के साथ साथ इंडिया गठबंधन का भी दरवाजा खुला हुआ है, और जो दरवाजा जो खुला हुआ है तो यहाँ नीतीश कुमार को एनडीए गठबंधन में क्या मिलता है, लेकिन जो उस तरह से ऑफर आ रहा है वहाँ उस ऑफर में तो नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने तक की बात कही जा रही है। तो अब फैसला नीतीश कुमार को लेना है, और नीतीश कुमार फिलहाल हॉट सीट पर बैठे हुए जी। राजीव जी, अभी वो वक्त है जिसमें नीतीश कुमार अपनी छवि को सुधार सकते हैं। पिछले अगर 2 से 3 सालों की हम बात करें तो उनकी जो छवि है वो खराब होने लगी है। पलटू चाचा, पलटू राम, बहुत सारे नाम उनको मिलने लगे हैं। ये ऐसा वक्त है कि बिहार के लिए वो अगर बड़ी मांग कर देते हैं तो बिहार में एकदम से या फिर देश भर में नीतीश कुमार की चर्चा हो रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार को भी ये उम्मीद नहीं थी कि उनकी लोकप्रियता का ग्राफ इतनी तेजी से नीचे गिरेगा। और इसका असर हमको लोकसभा चुनाव में भी दिखा कि जो नीतीश कुमार 17 सीटों पर 2019 में चुनाव लड़े थे और 16 सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की थी, वो नीतीश कुमार इस बार 12 सीटों पर चुनाव लड़े और उनका स्ट्राइक रेट 16 के मुकाबले 12 सीटों पर चला गया। तो ये नीतीश कुमार के लिए भी एक मौका है कि वो अपनी छवि के साथ साथ बिहार के लिए, जो बिहार की लंबे समय से मांग रही है, उस मांग के लिए वो सीधे केंद्र सरकार के साथ आंख में आंख डालकर बात कर सकते हैं और अपनी शर्तें मनवा सकते हैं। जी राजीव जी, और ये भी देखने को मिल रहा है कि इस बात को नीतीश कुमार भी बखूबी समझ रहे हैं, इसीलिए जदयू ने 3 बड़ी मांग भी की है, रेल, वित्त, ऐसे मंत्रालय भी मांग डाले हैं। बिल्कुल, और कई तरह की मांग रही है। अभी थोड़ी देर पहले मैं केसी त्यागी को देख रहा था, केसी त्यागी ने भी कुछ ऐसे मुद्दे उठा दिए हैं। केसी त्यागी जदयू के बहुत कद्दावर नेता हैं, तो केसी त्यागी ने भी इस तरह कुछ मुद्दे ऐसे उठा दिए हैं कि जैसे अग्निवीर योजना जो है केंद्र सरकार की, उसको सरकार को समीक्षा करनी चाहिए। UCC जैसे जो विवादित जो मामले हैं उसको लेकर के कि वो सरकार अपने सभी घटक दलों के साथ, भाजपा सभी अपने घटक दलों के साथ उसकी समीक्षा करें। और जहां तक कि वित्त मंत्रालय और रेल मंत्रालय जैसी मांगे, हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी किसी नेता ने, जदयू के किसी नेता ने इस पर जुबान नहीं खोली है, लेकिन जो बातें छन कर हम लोगों तक सामने आ रही हैं उसमें स्पष्ट है कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू केंद्र सरकार में वित्त मंत्रालय और रेल मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभागों की मांग कर रही है। तो हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि ये वही वित्त मंत्रालय है जो जिसके नियंत्रण में ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो प्रवर्तन निदेशालय जिसको कहा जाता है, और जिसकी पूरे देश में खौफ है, खासकर राज्य विपक्षी दलों में। तो वो ईडी सीधे वो कमांड होता है सीधे वित्त मंत्रालय से, और वित्त मंत्रालय से ही कमांड होता है आयकर विभाग, इनकम टैक्स। तो ये दो विभागों पर जदयू की नजर है। और जहाँ तक कि रेल मंत्रालय का सवाल है, तो रेल मंत्रालय के साथ बिहार का बहुत पुराना संबंध है, और ये संबंध जो है वो कोई आज या कोई पिछली सरकारों का नहीं है। ये जवाहरलाल नेहरू के समय से ही, जब जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस समय से ही रेल मंत्रालय जो है वो बिहारी नेताओं के पास रहा। जैसे जवाहरलाल नेहरू के समय में रेल मंत्री हुआ करते थे जब बाबू जगजीवन राम, उसके बाद इंदिरा गांधी के समय में रेल मंत्री हुआ करते थे राम सुभग सिंह और ललित नारायण मिश्रा, उनके साथ साथ केदार पांडे भी इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में रेल मंत्री के पद पर रहे थे। उसके बाद अगर हम वीपी सिंह की कैबिनेट देखते हैं तो वीपी सिंह की कैबिनेट में जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेता रेल मंत्री के पद पर थे। उसके बाद भी जब नजर दौड़ाते हैं बंगना, तो हमको दिखता है कि आईके गुजराल जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो उनके समय में रामविलास पासवान रेल मंत्री के प्रभार में थे।
उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के कैबिनेट में बिहार के दो दो रेल मंत्री बने, जिसमें एक रामविलास पासवान और एक खुद नीतीश कुमार भी रेल मंत्री के प्रभार में थे, और मनमोहन सिंह जो अंतिम कार्यकाल जो था यूपीए सरकार का, तो यूपीए सरकार के रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव हुआ करते थे। तो रेल मंत्री के लिए बिहार एक बार फिर दबाव बना सकता है, तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। और नीतीश कुमार आज इस स्थिति में है, आज उस हॉट के चेयर पर बैठे हुए हैं, हॉट सीट पर बैठे हुए हैं, कि वो इस तरह की मांग केंद्र सरकार के सामने या नरेंद्र मोदी के सामने बहुत ही स्पष्टता के साथ रख सकते हैं। जी जी राजीव जी, अचानक से नीतीश कुमार जीरो बन गए थे, लेकिन चुनाव का परिणाम सामने आता है और वो हीरो बन चुके हैं, इसका फायदा बिहार को होने वाला है। बाकी तेजस्वी यादव ने भी मांग की है कि नीतीश कुमार तीन बड़ी शर्त रखी है, आप समर्थन दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे बिहार को फायदा होना चाहिए। क्योंकि राजीव जी, बिहार से भर भर के सांसद पहुंच रहे हैं संसद भवन में, ऐसे में बिहार को बहुत फायदा होने वाला है। बिल्कुल, अगर हम पिछला रिकॉर्ड देखें तो 2014 से लेकर के 2019 और उसके बाद फिर 2024 बिहार ने जितने सांसद भाजपा को दिए हैं या एनडीए गठबंधन को दिए हैं, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और यही एक उम्मीद बताता है कि इस बार बिहार से मोदी मंत्रिमंडल में बिहार के मंत्रियों की संख्या अधिक होगी। हालांकि अभी तक स्पष्ट हो चुका है कि जदयू ने 3 सीटों की मांग की है, इसी तरह भाजपा कोटे से भी बिहार से 3 मंत्री बनाए जाने की उम्मीद है। जबकि गया की सभा में प्रधानमंत्री पहले ही जीतन राम मांझी के बारे में घोषणा कर चुके हैं कि आप यहां से सांसद नहीं, एक मंत्री का चुनाव कर रहे हैं। और उसी तरह हम देखते हैं तो लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान, उनके भी पांचों सांसद संसद पहुंच चुके हैं, तो ऐसे में चिराग पासवान के लिए भी 1 सीट बनती है। तो बिहार को इस बार कम से कम 8 केंद्रीय मंत्रियों की सौगात मिलने वाली है, हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं वंदना। जी जी, तो अब बस कुछ दिनों का इंतजार है, उसके बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। ये साफ हो जाएगा कि बिहार जो किंग मेकर बनकर उभर रहा है, इसका फायदा बिहार की जनता को होता है या नहीं। नीतीश कुमार जिस तरीके से जिन जिन प्रमुख विभागों की मांग कर रहे हैं देश में, वो विभाग उन्हें मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, और वैसे भी नीतीश कुमार के दोनों हाथों में लड्डू हैं। अगर एनडीए भाव नहीं देगी तो इंडिया गठबंधन के पास चले जाएंगे और बन सकते हैं वो देश के उप प्रधानमंत्री। बाकी देखना दिलचस्प होगा कि आगे नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, ऐसे तमाम नेता क्या कुछ फैसला लेते हैं और इससे देश के साथ साथ बिहार को भी क्या कुछ फायदा होता है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।